साथ मौजूद हैं पूनम सिन्हा, जो कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं और पटना में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और हमारी भाभी भी हैं। लव और कुश दोनों यहाँ पे साथ में हैं। बात करेंगे कि आज मतदान का दिन है, तो कैसा क्या फीडबैक मिल रहा है? कैसा फीडबैक? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और बिहारी बाबू के लिए लोगों को सम्मान और प्यार तो है ही। ये पार्टी बदलने से ये तो नहीं हो गया कि पार्टी बदली तो वो व्यक्ति नहीं बदले ना, वो तो वही है उनके बिहारी बाबू। तो जितना प्यार उनको देते हैं, हो सकता है अब की बार वो लोग जरूरत से और ज्यादा हमको दें, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे सामने वाले प्रतिद्वंदी या जो पार्टी है वो किस तरह से हम लोग को ट्रीट किया था। उन्होंने एक सिंपथी और इमोशनल अटैचमेंट भी है इनके साथ लोगों का, तो मुझे लगता है लोग जरूर उस बात का जवाब देंगे। आप लखनऊ से उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की, शत्रुघ्न जी यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार है। आप लोग का तालमेल तो बहुत अच्छा है समाजवादी है कांग्रेस का, लेकिन यूपी में नहीं हो पाया ऐसा तालमेल। क्यों नहीं हो? गठबंधन जो होना चाहिए। हाँ देखिए, आपका आपका गठबंधन बिल्कुल सही है। आगे आगे देखिए, उनकी मदद की, उन्होंने आपकी मदद की। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या उम्मीद क्या है वहाँ लखनऊ की, क्या अच्छा होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और जिस चीज को हम लोग लेके आगे बढ़े हैं एक बदलाव लाने के लिए, तो सब लोग जानते हैं जब तक वो लोग साथ में तालमेल नहीं करेंगे ये बदलाव हम नहीं ला पाएंगे। और अब सबके मन में ये बदलाव लाना ही है। बताइए आप, बताइए क्या यहाँ के बारे में? वहाँ ठीक है, मैं वहाँ पे था नहीं, ये बता सकते आप वहाँ के बारे में? यहाँ का बताइए, वो वहाँ का बताएंगे, मतलब आप पटना का बताइए जी, क्या है स्थिति यहाँ? देखिए स्थिति तो ये है कि अभी मैं तो ये मानता हूँ कि ये लड़ाई रविशंकर प्रसाद जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़ाई नहीं थी, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़ाई है जो भाजपा उनके साथ लड़ रही है। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी से, कैंडिडेट से ज़्यादा तो पार्टी की ये लड़ाई है, क्योंकि वो उनके मन में एक है, एक बदलाव की भावना उनके मन में, बदलाव की भावना, बदलाव की नहीं, बदलाव की भावना तो हम में, बदलाव की लेने की भावना उनके मन में है, कि वो सोचते हैं कि अरे आवाज़ क्यों उठाई, देश के लिए जब आवाज उठाई हमने, कोई और मंत्री भाजपा में कोई भी हो, दूसरे प्रत्याशी भी हो, किसी ने कुछ आज तक नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, क्यों नहीं बोला? आप बोलते कि आप पटना आप खामोश नहीं रहेगा, सर आप खामोश थे इतने सालों तक, अचानक आपको याद आएगा कि हमें आवाज उठानी है, ये क्या होता है भाई? मतलब मैं तो मानता हूँ ये भाजपा और शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़ाई है बस। रविशंकर प्रसाद इसमें नहीं, वो कैंडिडेट है पर पार्टी एक्चुअली तो पारिवारिक मित्र है आप लोगों के, रविशंकर प्रसाद ये तो सबके फ्रेंड है, सबके दोस्त है। हाँ पापा, वही मैं कह रही हूँ कि ये तो सबके दोस्त है, इन्होंने कभी अपने दिल में कभी किसी के लिए मलाल लाया ही नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं ये बिल्कुल। आप बताइए जी, यहाँ पिछली बार भी मतलब दो बार से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भी क्या नजर आ रहा है? पिछली बार बीजेपी से लड़े थे दो बार, इस बार कांग्रेस से, क्या अंतर जी? जैसे अंतर तो यही है कि मतलब देखिए, जैसे लव ने कहा, ममा ने भी कहा, पापा तो सेम ही है, बिहारी बाबू, आप सबके बिहारी बाबू, हमारे बिहारी बाबू सेम है। पार्टी जो है, चलिए कांग्रेस अलग पार्टी है, लेकिन यहाँ पे भी इतना डिफरेंस नहीं दिखा मुझे, क्योंकि लोग उनसे इतने जल्दी जुड़ जाते हैं, उनके साथ एक बंधन इतना जल्दी से बन जाता है कि लोग यहाँ पे बस जुड़ गए। आपने जो रोड शो भी देखा पापा का जो हुआ राहुल गांधी जी के साथ और तेजस्वी यादव जी के साथ, वो एक ऐतिहासिक रोड शो था। मैंने सिर्फ कांग्रेस के लिए तो काफी वक्त के बाद, कांग्रेस के लिए भी नहीं, मुझे लगता है पटना के लोगों के लिए भी जो मुझे वो प्यार दिखा, वो भाड़े का प्यार नहीं था जो आप लोगों को दे के खड़ा कर देते हैं भीड़ में, वो असली प्यार था जो लोगों का है इनके लिए और जो इनके पास है लोगों के लिए, इसलिए लोग वहां पे अपने आप आ जाते हैं। इतना ऐतिहासिक रोड शो, आपके सब मीडिया के साथियों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कितनों ने आके कहा कि ये मतलब आउटस्टैंडिंग था। हाँ तो मुझे तो इतना अंतर नहीं दिख रहा है, कांग्रेस के लोग भी उनसे संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का संगठन यहाँ ज्यादा मुझे वो स्वाभाविक है कि इतने सालों से वो लोग यहाँ पर अपना चला रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर चल रहा है और कांग्रेस अभी वापस आने के उसमें है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, धन शक्ति, जितनी धन शक्ति भाजपा इस्तेमाल कर रही है ना इस चुनाव में, मैं तो मानता हूँ कि भारत के पूरे इतिहास में कोई पार्टी ने इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा एक ही मतलब व्यक्ति के लिए। तो पटना, सिर्फ पटना नहीं पूरे देश में, पटना में तो कर रही है, पटना में तो कर रही है कि हर जगह मतलब जितनी धन शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग तो इस्तेमाल कर रही है।
तो मैं मानता हूँ ये भी एक थोड़ा सा फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। आप लोग मेहनत तो आप लोगों ने की पूरी मेहनत तो बिल्कुल मेहनत तो बिल्कुल करेंगे, उनको तो लाना ही है वापस, हैट्रिक करनी है हमें, हैट्रिक करनी है जी बिल्कुल। सोनाक्षी नहीं आई इस बार? हाँ नहीं, सोनाक्षी जैसा कि मैंने कहा वो काम कर रही है और उसका ठीक नहीं था कि वो आ जाए काम छोड़ के, इसलिए वो नहीं आई। आखिरी सवाल ये है कि बिटुआ दोनों जवान हो गए, शादी कब होगी? वो तो वही जाने आजकल वो जमाने, इलेक्शन के बाद बात करेंगे इलेक्शन के बाद सिलेक्शन शायद हो सकता। अच्छा इलेक्शन के बाद सिचुएशन चाहे जो हो, जोन का डायलॉग इसमें नहीं, वो पापा का डायलॉग तो यही है, सिचुएशन जो लोकेशन वही होगा शादी के मामले में, ये इन्होंने किया थोड़ा बदल जाता है, सिचुएशन कोई भी हो लोकेशन भी कुछ भी हो सकता है। चलिए तो ये थे पूनम सिन्हा और लव और कुश जो कि हमसे बात कर रहे थे, और आश्वस्त हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा इस बार कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से हैट्रिक करेंगे। कैमरामैन नदीमालम के साथ सुजीत कुमार झा।